आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में चल रही श्रीपाश कथा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है। सोमवार को भी मुनिश्री 108 प्रणम सागर जी महाराज ने भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए मुनि धर्म के बाद गृहस्थ धर्म का सुंदर वर्णन करते हुए 11 प्रतिमाओं के धर्म के बारे में बताया। हरिपर्वत स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में बीते कई सप्ताह से लगातार चल रही श्री पार्श्व कथा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है, जिसका वाचन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्रीमुख से किया जा रहा है। सोमवार को भी मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने कथा को आगे बढ़ाते हुए मुनि धर्म के बाद गृहस्थ धर्म का वर्णन अपने श्रीमुख से किया। सोमवार को भी कथा की शुरुआत भगवान के मंगलाचरण और मुनि श्री के पाद प्रक्षालन के साथ हुई। मंगलाचरण का सौभाग्य इस बार राजा मंडी शैली को प्राप्त हुआ। कथा जैसे जैसे अपने अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कथा स्थल पर आने वाले भक्त भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार को भी मुनि श्री ने गृहस्थ धर्म के बारे में बताते हुए भक्तों को 11 प्रतिमाओं के धर्म के बारे में बताया। जो मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमें जो सुख मिलना था मिल गया, हमें जो कमाना था कमा लिया, हमारे साथ जो होना था हो गया, अब हम कुछ धर्म की तरफ अपना मन लगाएं, क्योंकि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। तो जब माता पिता एक उम्र में कुछ इस तरह का विचार करते हैं तो उनके बेटे उनके बेटियां उनके पैरों को खींचते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? हाँ तो बोलो, तब मैं बात को आगे बढ़ाऊँ। मेरे तो बेटे बेटियाँ हैं नहीं, तुम्हारी तरफ से ही बोल रहा हूँ। तो बेटे बेटियां इस तरह के प्रश्न करते हैं कि क्या तरह तरह के नियम लेना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, यहां नहीं खाना वहां नहीं खाना, ये शुद्धि वो शुद्धि, ये त्यागना ये व्रत करना। इस तरह से जब माता पिता परेशान होते हैं तो वो हमारे पास दौड़ करके आते हैं कि बेटे बेटियां मुझे कुछ करने नहीं देते। सुन रहे हो, आज बहुत सारी इंदौर की महिलाएं आई हैं इसी तरह के धर्म भाव लेकर के आई हैं, और आज सभी ने आकर के यहाँ पर अड़ू व्रतों को धारण किया है। प्रकरण आज श्रावक धर्म का ही चल रहा है और सभी श्रावकाओं ने आकर के यहाँ पर अड़ू व्रत लिए। आज भगवान की वाणी में श्रावक धर्म का ही वर्णन आना है। बता दें कि कथा स्थल पर मुनिश्री के पावन प्रवचनों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। हमारे मधुबा श्री प्रणम सागर जी महाराज पिछले लगभग 2 महीने हो गए कथा, जहाँ पार्श्वनाथ की कथा चल रही थी, और कथा बहुत ही भावपूर्ण कथा, और ऐसी कथा हमने अपने जीवन में नहीं सुनी। प्रथम बार ऐसी कथा हम लोगों को सुनने को मिली। कथा के अंदर बहुत ही साल गर्भित बातें गुरुदेव ने हमको बताई, जो कि हमारे जीवन को काया को बदल कर रख दिया जिसने, और बहुत ही अच्छी कथा यह चल रही है। पार्श्वनाथ कथा के जो अंतिम पड़ाव पर कथा पहुंची है उसमें प्रतिमाओं का विवरण दिया कि पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा तीसरी प्रतिमा 11 प्रतिमाओं तक का क्या क्या त्याग करते हैं, किस तरह का श्रावक होता है, किस तरह के मुनि की व्यवस्था होती है, छुल्लक की होती है, लाचर की व्यवस्था होती है, ये सारी व्यवस्थाओं का वर्णन उन्होंने किया। कथा बहुत सुंदर चल रही है और अब अंतिम 2 दिन शेष रहे हैं, और अभी ऐसा लग रहा है कि ये कथा लगातार चलती रहे लगातार चलती रहे। गुरुवर की वाणी से हम लोग यूं ही ध्यान और ज्ञान का उपार्जन करते रहे,
और लेकिन अभी दो दिन शेष बचे हैं। मैं चाहता हूँ कि आगरा वासी ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्श्व कथा का लाभ उठाए, गुरुवर की वाणी का लाभ उठाए। उनकी वाणी से जब स्वर निकलते हैं, पार्श्व कथा निकलती है, तो सुनते ही मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं। क्या कुछ सीखने को मिल रहा है? हाँ, बहुत सीखने को मिल रहा है यहाँ से। तो वहीं कथा को सफल बनाने के लिए सकल दिगंबर जैन समाज और चातुर्मास कमेटी के तमाम पदाधिकारी भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। कथा का समापन 29 तारीख को भक्तों की परीक्षा के साथ होगा। सी न्यूज़ के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।